नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए पूरी पूजन सामग्री लिस्ट बताने वाली हूं। तो ये छोटे रूप में जो है गणपति की स्थापना के लिए पूजा सामग्री यहां पर मैं बताने जा रही हूं। बड़े रूप में हम अनुष्ठान के लिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि छोटे से ऑफिस में रखना है, दुकानों में रखना है, या फिर घर पे हम रखने चाहते हैं छोटे से गणपति, तो उसके लिए क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता आपको होगी। तो पूजा सामग्री में सबसे पहले आप अपने बैठने के लिए एक कुसा का आसन या फिर ऊनी आसन रख सकते हैं। इसके अलावा अब भगवान को आसन प्रदान करने के लिए एक लकड़ी का पाटा और उसी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा। साथ ही साथ हम चावल पर श्री गणेश को विराजने वाले हैं, तो चावल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रख लीजिएगा। इसके अलावा कई लोग जो है भगवान गणपति के नीचे चावल के साथ जो है एक चांदी का सिक्का या फिर 10-5 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप जो है चांदी का या फिर 10-5 के सिक्के आप रख लीजिएगा। और इसी के साथ ही हम कलश स्थापना करने वाले हैं, तो कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चावल चाहिए होगा और कलश के ऊपर रखने के लिए भी चावल चाहिए होगा। तो चावल आपको ज़्यादा मात्रा में रख लेना है, अक्षत वगैरह के लिए भी उपयोगी होगा। और कलश पात्र चाहिए होगा, कलश के गले में मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी भी आपको बताते चलूंगी। तो कलश के लिए आम के पत्ते, आखत के रूप में अन्न और एक मौली धागा बंधा हुआ नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए रख लीजिएगा। और साथ ही साथ अखंड दीपक जलाने के लिए एक अखंड दीपक, घी, तेल, जो भी आप दीपक में जलाना चाहते हो, साथ ही साथ रुई, बाती, माचिस वगैरह रख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम विघ्न विनाशक के रूप में छोटे से गौरी गणेश की भी स्थापना रखते हैं। तो गौरी माता बनाने के लिए जो है आप गोबर से गौरी माता बना सकते हैं, पीसे चावल से, पीसी हल्दी से गौरी माता बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए गोबर से बनाना, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो गोबर से गौरी माता बनाई हुई जो है सूख जाती हैं, तो अगले दिन जो है वो पूजा में वैसे की वैसे ही रही आती हैं। वरना अगर हम हल्दी की गांठ से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, तो वो ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन गोबर से बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हम 7-8 दिन जो है भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए एक बड़ी सुपारी चाहिए होगी। तो बड़ी सुपारी यहाँ पर आपको चाहिए होगी कम से कम 10-12 रख लीजिएगा, क्योंकि हम नवग्रहों की भी स्थापना करते हैं। तो नवग्रहों के लिए 9 सुपारियाँ और एक श्री गणेश के लिए साथ ही साथ छोटी सुपारियाँ भी आपको चाहिए होंगी, जो कि हम भगवान को तांबूल यानी कि 5 सुपारी, लौंग, इलायची के रूप में अर्पित करते हैं। तो छोटी सुपारियाँ भी कम से कम 5-7 आप रख लीजिएगा, बड़ी सुपारियाँ 10-12 रख लीजिएगा। इसी के साथ ही पान के पत्ते रख लीजिएगा। पान के पत्ते भी जैसे कि 7-8 भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। और इसके अलावा जो है आगे पूजा करने के लिए, पवित्रीकरण करने के लिए पूजा में भी उपयोग आता है, कुशा, आचमनी और ताम्र पात्र रख लीजिएगा। इसके अलावा भगवान को स्नान कराने के लिए जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और इत्र भी आप अवश्य रख लीजिएगा। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप पंचामृत भी बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें भगवान को अभिषेक कराने के लिए, स्नान कराने के लिए। तो गणपति जी तो मिट्टी के होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको पंचामृत वगैरह की, क्योंकि हम थोड़ा सा चम्मच से ही स्पर्श बस कराते हैं। तो ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है मात्रा की, बस थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। इसके अलावा भगवान को आगे श्रृंगार करने के लिए जैसे कि वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो जनेऊ आपको काफ़ी मात्रा में चाहिए होगा। अगर आप नवग्रहों को अलग अलग अर्पित करना चाहते हैं या फिर श्री गणेश के लिए, कलश के लिए, भगवान गणपति के लिए अलग से कम 10-12 तो होने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 और कम से कम 4-5 होने चाहिए। वस्त्र आप रख लीजिएगा, वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र की भावना से मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। तो मौली धागा और कच्चा सूत जरूर ले आइएगा। आगे भगवान का श्रृंगार करने के लिए हल्दी, चंदन, सिंदूर, तो सिंदूर ध्यान रखिएगा भगवान श्री गणेश को जो हनुमान जी को लगता है वही वाला सिंदूर लगता है, यानी कि लाल सिंदूर नहीं लगता, थोड़ा सा वो नारंगी टाइप का होता है, तो सिंदूर को ले आइएगा। इसके अलावा
आगे भगवान की पूजा के लिए जो है फूल पत्री चाहिए होता है, तो दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो दूर्वा की माला बना लीजिएगा, या फिर ऐसे ही दूर्वा रख लीजिएगा, फूल रख लीजिएगा, पीले फूल, लाल फूल, गौरी माता के लिए भी पीले फूल लाल फूल लगते हैं। साथ ही साथ गौरी माता के श्रृंगार के लिए आप श्रृंगार की सामग्री भी रख लीजिएगा, चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता कुछ भी, क्योंकि माता को पसंद होता है तो उन्हें अर्पित करना चाहिए, भले ही आप पुरुष हों या महिला, इससे मतलब नहीं है, गौरी माता को पसंद होता है इससे मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें श्रृंगार की हो गई। इसके बाद धूप दीप रख लेना चाहिए, याद रखिएगा अगरबत्ती कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो है अगरबत्ती में जो है कि बांस होता है, तो बांस वंश का प्रतीक माना जाता है, तो वंश जो है बांस किसी प्रकार से जलाया नहीं जाता है। तो धूप बत्ती रख लीजिएगा, या फिर दीपक घी आप जला सकते हैं घी से। इसके अलावा आंगे की पूजा के लिए जो है धूप दीप करने के बाद अक्षत इत्यादि अर्पित किया जाता है, और नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास हो, मोदक पसंद होते हैं, लड्डू पसंद होते हैं, साथ ही साथ नारियल और गुड़ पसंद होता है भगवान को, तो ये सारी चीज़ें आप नैवेद्य के रूप में रख सकते हैं। और नैवेद्य के बाद जो है कथा पुस्तक वगैरह अगर आप पाठ करना चाहते हैं, कोई गणेश अथर्वशीर्ष का या फिर गणेश चतुर्थी की कथा है, या फिर माला जाप भी आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जो भी पाठ वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए सामग्री रख सकते हैं। इसके आगे जो है आपको हवन करना चाहिए, तो हवन के लिए भी आपको सामग्री जो है हवन कुंड चाहिए होगा, मिट्टी का हवन कुंड बनाना मैंने सिखाया हुआ है चैनल पर, तो चेक कर सकते हैं, हवन आप नवरात्रि वाला हवन चेक कर लेंगे तो उसमें हवन विधि भी आपको मिल जाएगी, सेम ही होती है। सामग्री यहाँ पर बताना चाहती हूँ, तो हवन कुंड के साथ उपले और समिधा के लिए आम की लकड़ी आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अग्नि जलाने के लिए जो है कपूर वगैरह रख लीजिएगा। और हवन सामग्री के लिए बताना चाहती हूँ, घर पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप काली तिल ले लीजिएगा, जितना आप काली तिल लेते हैं उसी का आधा आपको जौ लेना है, और जितना आप जौ लेते हैं उसी का आधा आपको चावल लेना है। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, पंचमेवा मिलाइए, घी मिलाइए, और इसके साथ ही जो है आप हवन कर सकते हैं। और आप बाजार की सामग्री लाएं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं या फिर घर पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हवन करने के बाद भगवान को आरती करने के लिए जो है आरती थाल और घंटी वगैरह आप सारी चीज़ें रख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ पूजा वगैरह करके दिखाने में, तो सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ देखें, सभी के